हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2016 में आई मूवी BFG की। इस मूवी के मेन कैरेक्टर को हिंदी में आवाज दिया है सर अमिताभ बच्चन जी ने, और इस मूवी को 79% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। IMDb टीवी की रेटिंग की बात करें तो वो है 6.4। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के शुरुआत में हमको एक 10 साल की छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम सोफिया होता है। ये बच्ची अनाथालय में रह रही होती है क्योंकि इसके माता पिता गुजर गए होते हैं। ये बच्ची को एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि ये रात भर सो नहीं पाती है, इसलिए रात भर अनाथालय में इधर से उधर घूमती रहती है क्योंकि इसे नींद नहीं आती। और बाकी बच्चों की तरह सोफिया के मन में भी डर था कि यहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं जो कि बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। एक दिन अनाथालय में सभी बच्चे सो गए होते हैं और सोफिया जाग रही होती है, तभी उसे कुछ बिल्लियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ बिल्लियाँ वहाँ पर रखे डस्टबिन को गिरा देती है। उसके बाद वो देखती है कि दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और नीचे गिरे डस्टबिन को उठाकर रख देता है। उसके बाद सोफिया देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा उसे राक्षस दिखाई देता है। वो दोनों एक दूसरे को देख चुके होते हैं। सोफिया उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और वो अंदर भाग जाती है और अपने एक ब्लैंकेट में छुप जाती है। फिर वो बड़ा सा हाथ आता है और सोफिया को उठाकर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी छुपने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। वो किसी न किसी तरीके से लोगों को चकमा दे देता है और वहाँ से निकल जाता है, और वो सोफिया को लेकर किसी तरह वहाँ से बच कर निकल जाता है और उसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। उसकी दुनिया हम इंसानों की दुनिया से काफ़ी अलग थी, उसकी दुनिया थी दैत्यों की। उसके बाद सोफी देखती है कि वहाँ पर जितने भी सामान होते हैं सभी के आकार काफ़ी बड़े होते हैं। उसके बाद सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसे दैत्य पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर सोफी को पता चलता है कि ये राक्षस काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और उसके बाद वो राक्षस उसे कहता है कि तुम मेरे प्लेट में आ जाओ, और उसे प्लेट में लेकर उसे अपनी किचन की ओर बढ़ता है। वहाँ पर वो राक्षस सोफी से बात करते हुए अपनी वेजिटेबल्स काट रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ और राक्षस दिखाई देते हैं, तो सोफी पूछती है कि क्या यहाँ पे और भी राक्षस हैं। तो वहाँ वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी राक्षस हैं जो कि मुझसे आकार में कई गुना बड़े हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हैं। वो सारे के सारे राक्षस बहुत आदमखोर हैं और वो इंसानों को खा जाते हैं। जो भी आज तक उनके हाथ आया है उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। इस बात पर सोफी काफ़ी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे खाने वाले हो। तो उस पर वो आदमी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन राक्षस हूँ और मैं इंसानों को नहीं खाता। बावजूद इसके कि वो जो वेजिटेबल है वो खाने में उसका टेस्ट काफ़ी ख़राब है, उसके बाद भी वो इंसानों को नहीं खाता। यहाँ पर पता चलता है कि वो राक्षस नेचर से काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद सोफी उस राक्षस से पूछती है कि अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं है तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्या आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था, और अगर तुम वहाँ पर किसी को बता देती कि तुमने मुझे देखा है तो फिर मुझ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। इंसान मुझे छोड़ते नहीं और साथ साथ यहाँ पर जो अन्य दैत्य हैं उसे भी नहीं छोड़ते, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर उठा कर लेके आ गया। अब तुम यहाँ पर हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और तुम यहाँ से भागने की सोचना ही मत क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। वो दूसरे राक्षस तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे और वो तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो राक्षस सोफी को उठाता है और उससे बोलता है कि तुम सो जाओ, तुम काफ़ी थक गई होगी। तो इस बात पर सोफी कहती है कि मुझे नींद ही नहीं आती है। ये सुनकर वो बूढ़ा राक्षस अपने बैग में से एक बॉटल निकालता है। वो बॉटल में कुछ चमकदार चीज़ होती है। सोफी उससे पूछती है कि ये क्या है, तो राक्षस उसे बताता है कि ये ड्रीम्स है। सोफी ये जानकर उससे कहती है कि फिर तो ये मेरे कोई काम की नहीं है क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं है, और मुझे नींद नहीं आती तो मैं ड्रीम्स देख नहीं सकती। उसके बाद वो बूढ़ा राक्षस बैग में से एक बुक निकालता है और उसमें जो स्टोरीज लिखी होती है उन्हें पढ़ रहा होता है। वो स्टोरीज सुनकर सोफी को नींद आ जाती है। उसके बाद बूढ़ा राक्षस बॉटल में से ड्रीम्स निकालकर सोफी को डाल ही रहा होता है कि उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी सो चुका है, तो वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग रही होती है। और जब वो भागती है तभी उसे नजर आता है कि एक बड़ा सा हाथ उसे पकड़ लेता है, और वो देखने में काफी डरावना और उस बूढ़े राक्षस से काफी बड़ा होता है। सोफी उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे खा जाता है। यहाँ सोफी की नींद खुल जाती है और उसे होश आता है कि उसने जो भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। तो वो उठकर उस बूढ़े राक्षस से कहती है कि जितनी भी चीज़ें की ये सब आप ही ने की है ना, क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं है, और मुझे इतना बुरा ख्वाब क्यों दिखाया। ये सुनकर वो बूढ़ा राक्षस सोफी को अपने पास लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये ड्रीम दिखाना जरूरी था क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये नहीं दिखाता तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, क्योंकि बाहर में मुझे छोड़कर जितने भी राक्षस हैं वो मुझसे आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और मैं उनसे साइज में काफ़ी
काफी छोटा हूँ और बूढ़ा भी हो चुका हूँ, और बाहर जो राक्षस है वो तुम्हें खाने के लिए तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत डरावना राक्षस आ जाता है। वो अंदर आता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे बौने, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी राक्षस होते हैं वो बूढ़े राक्षस को बौना कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो साइज में काफी छोटा था। उसके बाद वो बूढ़ा राक्षस बोलता है कि मैं खुशी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ खुद से ही बात कर रहा था। इसके बाद सोफी वहाँ पे दिखती है जो कहीं पर छुप गई होती है। अब क्योंकि वो बड़ा राक्षस मांसाहारी था और वो इंसानों को स्मेल कर सकता था, इसलिए वो पूछता है कि सच सच बताओ तुम यहाँ किससे बात कर रहे हो, और वो वहाँ की सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। तो वहाँ पर सोफी एक कुकुम्बर के अंदर घुस जाती है। बूढ़े राक्षस को उस कुकुम्बर के अंदर से इंसानी खुशबू आती है, तो वो उसे सूंघता है और कहता है कि मुझे इससे इंसानी खुशबू आ रही है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। इससे पहले उस बड़े राक्षस ने कभी सब्जियाँ नहीं खाई और वो बस कुकुम्बर को खाने ही जा रहा था, तो उसे बूढ़ा राक्षस कहता है कि तुम कुकुम्बर खाने जा रहे हो, तुम तो ये कभी नहीं खाते हो, तुम आज इसे कैसे खा रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका टेस्ट तो काफी खराब होता है। तो बड़ा राक्षस कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, और वो उस कुकुम्बर को फेंक देता है जिससे वहां पर उस लड़की की जान बच जाती है। उसके बाद वो राक्षस वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा राक्षस कहीं जा रहा होता है। सोफी उससे पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता, वो बस बोलता है कि मैं अपने काम से जा रहा हूं। फिर सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है कि बताओ आखिर आप जा कह रहे हो, तो वो बताता है कि मैं ड्रीम्स पकड़ने जा रहा हूं। सोफी ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे भी जाना। इस पर वो बूढ़ा राक्षस बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, बाहर जो राक्षस सो रहे हैं उनकी अगर नींद खुल गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सोफी बूढ़े राक्षस की बात से एग्री नहीं होती और वो उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बाहर अपने साथ लेकर चलो। इस पर वो बूढ़ा राक्षस एग्री हो जाता है और वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर हम देखते हैं कि सारे के सारे राक्षस सो रहे हैं, वो दोनों उनको पार करते हुए निकल ही रहे होते हैं तभी उसमें से एक राक्षस की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े राक्षस को पकड़ कर उसे परेशान करते हुए कहते हैं कि बौने तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस पर वो कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ। इस पर वो राक्षस कहते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो हमें ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। उसके बाद वो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोफी मौके का फायदा उठाकर एक गाड़ी में छुप जाती है। उसके बाद बूढ़ा राक्षस उन दूसरे राक्षसों को आसमान की ओर दिखाता है। असल में बारिश होने वाली थी और जितने भी राक्षस थे किसी को पानी पसंद नहीं था, क्योंकि सभी को वाटर फोबिया था, और अचानक से बारिश होने लगती है। सारे के सारे भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा राक्षस सोफिया को एक बैग में लेकर वहां से जल्दी से भाग जाता है। उसके बाद ये लोग चलते हुए पहाड़ से होते हुए बादलों के काफी आगे निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर सोफी इनसे कहती है कि ये तारे कितने खूबसूरत है ना, तो इस पर बूढ़ा राक्षस कहता है कि मैं तो इन तारों की आवाज़ भी सुन सकता हूं, इवन मैं दुनिया की सभी चीज़ों की आवाज़ सुन सकता हूं, मैं चीटियों की आवाज़ सुन सकता हूं, मैं कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुन सकता हूं, क्योंकि मेरे कान बहुत ही तेज हैं। इस पर सूफी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा राक्षस कहता है कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने जितनी भी बातें तुमसे कही हैं ये सारी की सारी सच हैं। उसके बाद वो लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पर एक नदी होती है। बूढ़ा राक्षस उस नदी में छलांग लगा देता है और सोफिया भी उसके साथ छलांग लगा देती है। वो लोग नदी के पूरे ऑपोजिट साइड पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। उस पेड़ में से ड्रीम्स गिर रहे होते हैं ड्रॉप्स के रूप में। फिर हम देखते हैं कि बूढ़ा राक्षस उन ड्रीम्स को पकड़कर उसे एक जगह कैद करता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रीम दोनों तरीके के होते हैं, मतलब बुरी ड्रीम्स और अच्छी ड्रीम्स। फिर उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर राक्षस और सोफिया के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी दोस्ती हो गई होती है। फिर बूढ़ा जाइंट सोफिया को अपनी कहानी सुनाता है, वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने लोगों से बौना कहते हैं, पर वो ये बात सोचकर खुश हो जाता है कि यहाँ पर एक बार उसे एक ऐसा लड़का मिला था जो उसे BGF कहता था, यानी कि बिग फ्रेंडली जाइंट। ये सुनकर वहाँ पे सोफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको BFG ही बुलाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बूढ़ा राक्षस वापस से सिटी की ओर जाता है। सिटी में पहुंचकर वहाँ पर जितने भी लोग सो रहे होते हैं वो सबके घरों पे जाता है और सबको अच्छी अच्छी नींद देता है ताकि वो अपनी नींद में काफ़ी खुश रहें। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो राक्षस होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये भले ही सोते हुए ही सही पर लोगों की जिंदगियों में खुशियाँ लेकर आता है ताकि लोग खुश रहें। उसके बाद सोफिया उनसे पूछती है कि आपको ये ड्रीम्स पकड़ना और उन्हें लोगों को देना क्या आपके पेरेंट्स ने सिखाया है। उस पर BGF कहता है कि हम जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते हैं। फिर सोफिया उससे पूछती है कि फिर आपकी एज कितनी है, आप यहाँ पर कब से हो, तो वो कहता है कि जब से ये दुनिया बनी थी, जब से ये दुनिया बनी तब से ही हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम इंसानों से छुप कर रहते हैं एक बड़े से दीवार के पीछे। उसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। जाते हुए सोफिया अचानक से बोलती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ छूट गया। फिर उसे याद आता है कि सोफी का ब्लैंकेट तो उन्हें राक्षसों की दुनिया में छूट गया था। यहाँ पर उसे BGF मना कर देता है उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए।
है। वो कहता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, क्योंकि अभी तक उन राक्षसों को ब्लैंकेट मिल गया होगा और उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि मेरे साथ यहाँ पर कोई मनुष्य भी है और मैं तुम्हें वहाँ पर वापस लेके जाने का रिस्क नहीं ले सकता। फिर वो बताता है कि पास्ट में एक और बच्चा था जो कि पूरी तुम्हारी तरह ही इनोसेंट था, पर एक दिन उसने भी मुझे देख लिया और मैं भी उसे पकड़कर वापस अपनी दुनिया में ले गया। वहाँ पर उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, पर शायद मुझे उसे उसकी दुनिया में छोड़ने में काफ़ी टाइम हो गया। उन राक्षसों को पता चल गया और उन राक्षसों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब मैं ये नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि वो सोफ़ी को छोड़कर अपनी दुनिया में अकेले ही जाएगा। वहाँ पर सोफ़ी उससे बहुत मनाने की कोशिश करती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम प्लीज़ मुझे लेकर चलो, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। फिर BFG सोफ़ी को अनाथालय में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोफ़ी अनाथालय के बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसके पता था कि उसे BFG बचा लेगा और ठीक ऐसा ही होता है, BFG उसे बचा लेता है। उसके बाद BFG सोफ़ी की जिद करने पर उसे ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब वहाँ दूसरी ओर राक्षसों की दुनिया में राक्षस उस बूढ़े राक्षस का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास एक इंसान रहता है। फिर वो BFG को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ है इंसान, बताओ। इस पर BFG कहता है कि मुझे नहीं पता है। फिर राक्षस उस ब्लैंकेट को सूंघ कर उसके घर में सोफ़ी को ढूंढने लगते हैं और उसके घर के सारे सामानों और उसके ड्रीम्स को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है और सभी राक्षसों को वहाँ से भगा देता है। सोफ़ी वहाँ एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी। वहाँ पर उससे एक पेंटिंग दिखती है जो कि रानी की थी और उसके मन में एक आइडिया आता है। वो BFG से कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि इंसानों की दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जो कि राक्षसों की है, और उसमें ये बताइए कि वहाँ पर जितने भी लोग गायब हो रहे हैं उन्हें वो राक्षस खा जा रहा है, साथ साथ आप हमको भी दिखाइए ताकि जब हम प्रिंसेस से मिले तो प्रिंसेस हमें पहचान पाए। BGF ठीक ऐसा ही करता है और प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाता है जिसमें वो वहाँ पर रह रहे उन आदमखोरों राक्षसों और शहर से गायब हो रहे बच्चों को भी डाल देता है, और वो उस ड्रीम में सोफ़ी और खुद को भी इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद वो ड्रीम बनाने के बाद वो रानी के महल जाते हैं और वहाँ पर रानी को वो ड्रीम दे देते हैं, जिससे रानी वही देखती है जो वो उन्हें दिखाना चाहते थे। उसके बाद रानी डर के मारे उड़ जाती है क्योंकि वो सपना बहुत ही डरावना था, और वो अपने सर्वेंट से बताती है कि उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा जहाँ पर कुछ राक्षस बच्चों को खा रहे हैं। इस पर वो उसके सर्वेंट कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। उसके बाद वो सर्वेंट न्यूज़पेपर देखती है, न्यूज़पेपर देखकर वो शौक हो जाती है क्योंकि उस न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ होती है कि शहर से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। वो ये बात रानी को बताती है, जिसके बाद रानी उसे कहती है कि तुम खिड़की खोलो, और जैसे ही वो लोग खिड़की में से पर्दे हटाते हैं उन्हें खिड़की के पीछे सोफ़ी दिखती है। दरअसल ड्रीम में उन्होंने ये डाला था कि खिड़की के पीछे सोफ़ी खड़ी होगी और सोफ़ी के साथ साथ BGF भी होगा। फिर सोफ़ी प्रिंसेस से बात करते हुए उसे प्रॉमिस लेती है कि आप BGF को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा है। प्रिंसेस भी उसे प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद BGF आता है और वो प्रिंसेस के सामने बहुत ही अदब से झुक जाता है और उन्हें सल्यूट करता है। BGF की प्रॉब्लम थी कि वो कोई भी वर्ड्स को अच्छी तरह नहीं बोल पाता था, जैसे वो महारानी को मरजानी कहता था, वो इंसान को इंसांड कहता था। उसके बाद महारानी BGF को अपने महल के अंदर इनवाइट करती है। BGF फिर महारानी के महल के अंदर जाता है। वहाँ पर उसके लिए एक बहुत अच्छी दावत रखी गई होती है। वहाँ पे BGF खाना खाते हुए महारानी से बताता है कि मुझे छोड़कर वहाँ पर 9 ऐसे राक्षस हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं। इस पर महारानी कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके बाद महारानी अपनी सेना को ऑर्डर देती है। उसके बाद BGF को फॉलो करते हुए वो सेना उसके पीछे पीछे जा रही होती है। उसके बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। एक्चुअली इन्होंने प्लान किया था और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे थे, इसलिए वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। और प्लान ये था कि BGF उन राक्षसों के लिए एक ऐसा ड्रीम बनाएगा जिसमें वो शर्मिंदगी और पछतावा डालेगा उन सभी कामों के लिए जिससे उन्होंने किया है। उसके बाद BGF अपने प्लान के अकॉर्डिंग वही चीज करता है और वो उन ड्रीम्स को बना लेता है। और जब वो उन राक्षसों को ड्रीम्स देने जाता है तब उसे याद आता है कि वो मशीन जिससे वो ड्रीम्स को डालेगा वो महारानी के घर पर ही छोड़ चुका है। अब ड्रीम्स को उनके पास पहुंचाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। यहां पर सोफ़ी उस ड्रीम्स को पकड़ती है और उन राक्षसों के पास भाग जाती है ताकि वो ड्रीम्स को बोतल को वो फोड़ दे और वो ड्रीम्स उन राक्षसों के पास चला जाए। और वो ठीक ऐसे करने की कोशिश करती है तभी उनमें से जो सबसे खुकार राक्षस होता है उसकी नींद खुल जाती है। सोफ़ी फिर जोर से उस बॉटल को फोड़ देती है जिससे ड्रीम उन सो रहे सभी राक्षसों के अंदर चला जाता है। उसके बाद सारे राक्षस पछतावा करने लगते हैं
उनको अपने ऊपर गिल्ट महसूस होता है, पर वो उस राक्षस को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही जाग रहा होता है। वो उसके बाद सोफी को पकड़ता है और सोफी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर BGF आता है और सोफी को बचा लेता है। सोफी वहाँ पर भाग रही होती है, उसके बाद वो बड़ा राक्षस BGF को उठा लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर रानी की सेना आ जाती है और उन राक्षसों को रस्सियों से बांध लेती है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी राक्षस होते हैं वो सबको बांध कर एक जगह लेकर जाती है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड। अब राक्षस इस आइलैंड से कभी नहीं निकल सकते क्योंकि चारों तरफ पानी है और उन्हें पानी से एलर्जी है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स गिरा देते हैं और साथ साथ वहाँ पर वेजिटेबल्स के बीज भी गिरा देते हैं ताकि वो वहाँ पर वो वेजिटेबल्स को उगाएं और उसे खाएं। हालांकि सारे के सारे राक्षस नॉन वेजिटेरियन थे, पर अब उन्हें मजबूरी में यही चीज करना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब से इन राक्षसों के लिए ये आइलैंड ही उनका घर हो गया था। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं। सोफी अब अनाथालय में नहीं रहती है, वो प्रिंसेस के साथ उसके पैलेस में रहती है और वहाँ पर वो काफ़ी खुश भी है। सोफी डेली सुबह उठकर वो खिड़की की तरफ देखती थी क्योंकि BGF उसकी आवाज़ें सुन सकता है। यहाँ पर BGF अपने शहर में अकेला रह रहा होता है। वहाँ पर उन्होंने और भी कई तरह की सब्जियाँ उगा ली थी और उसके बाद वो वहाँ पर काफ़ी खुशी से रह रहा था। सोफी डेली सुबह उठती थी और अपनी खिड़की के बाहर देखते हुए गुड मॉर्निंग कहती थी BGF को, और BGF डेली उसकी आवाज़ सुन लेता था। यहाँ पर ये प्यारी सी स्टोरी का हो जाता है दी एंड।